हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एज़ यू गाइस नो कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मैंने टाइटल में भी मेंशन किया है कि आई वेंट टू ग्रोसरी शॉपिंग टू इम्तियाज़ सुपर स्टोर एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थॉट आई मस्ट शेयर विथ यू गाइस, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं कि शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो लेट्स ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन एंड मेक योर लिस्ट व्हाट यू थिंक यू नीड फॉर दिस विंटर। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड सम अदर आइटम्स यू विल सी इन अ वाइल। सो दिस इज़ द शॉपर, सो लेट्स गेट थिंग्स आउट फ्रॉम इट। So the first one I'm getting out is Tresemme shampoo. This is keratin smooth. Basically this one is not for me, this is for my sister because she has some straight hair. I have wavy hair, so this is not for me. It's around 700 ml और मैं इन सारी चीज़ों की prices जो है ना यहाँ पर mention कर दूँगी so that you have the idea of prices as well. So this is keratin smooth shampoo from Tresemme. The next item which I have here is this. So this is Nivea Natural Fairness UV Protection Body Lotion. और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है और भी अपनी वीडियोज़ में कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो आई नीड सम गुड लोशन, सो दिस वन आई चोज फॉर दिस विंटर्स। दिस वन इज़ 400 ml एंड अगेन आई विल मैंशन द प्राइस ऑन दिस वीडियो। सो द नेक्स्ट आइटम विच आई हैव गॉट इज दिस। This is a hand sanitizer and obviously you guys know कि hand sanitizer आजकल कितना अहम है, so I got one and this is from English and इसकी price है around 520 rupees, you can see, and this is 250 ml, so there's that. Then we have another shampoo from Tresemme which is clean and replenish. So that one, the keratin smooth one, this one was for my sister as she has some straight hair, whereas this one is for me because I have a problem of dandruff because I have dry hair and dry scalp, so this one is best for winters क्योंकि ये आपकी जो dandruff है उसको clean करता है और जो भी sebum वगैरह आपके सर पे scalp पे जमा हो जाती है उसको भी clean out करता है। So this is Tresemme clean and replenish shampoo. So another item which I've got is this, I think इसके बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी because this is a room spray, just a regular room spray, so let's put it over here. Then we have this keratin smooth Tresemme conditioner. This is again 700 ml और price मैं इसकी mention कर दूँगी, this is again for my sister and not for me. So the in combination with this shampoo she uses this conditioner, so she has some straight hair and it protects the straightness of her hair. Then next I have this Eveline Cosmetics white prestige 4D facial wash which is a gel face wash and I really love this face wash because it is a gel based and it does not dry out your skin and it is best suited for winters. So those of you who have dry skin I recommend this one. It is 200 ml and मुझे बड़ी मुश्किलों से इतना अच्छा कोई फेस वॉश मिला है, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन और जिन लोगों को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव दिस। दिस इज़ सेंट आइव्स ओटमील एंड शेयर बटर बॉडी लोशन। इट्स अ सूदिंग बॉडी लोशन एंड एज यू गाइज नो कि मुझे मेरी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, सो आई गॉट अनदर बॉडी लोशन क्योंकि एक से मेरा काम नहीं चलने वाला था। सो आई हैव निविया वन एंड आई हैव सेंट आइव्स वन, सो आई विल बी यूजिंग दीज टू दिस विंटर एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आप लोगों को इनका सेपरेट रिव्यू देखना है तो। नेक्स्ट वी हैव दिस वन विच इज़ निविया एंटी परस्पायरेंट नेचुरल फेयरनेस एंड दिस इज़ 50 ml और इसकी भी प्राइस मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। इसकी मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये भी ले लिया है। वैसे मैं एंटी परस्पायरेंट यूज़ कर रही होती हूँ नॉर्मली, सो आई गॉट दिस वन दिस टाइम। इट्स वेरी प्रिटी, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक ऑयल होता है और आप इसको सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, तो आई थॉट लेट्स गेट सम कैस्टर ऑयल फॉर माई हेयर बिकॉज आई हैव सम ड्राई हेयर। माई हेयर आर कलर ट्रीटेड सो दे आर अ लिटल बिट ड्राई, अ लिटल बिट नहीं अ लॉट ऑफ ड्राई, सो आई गॉट दिस कैस्टर ऑयल फॉर माई हेयर दिस विंटर। दिस इज़ फ्रॉम हक प्लांटर्स इफ यू गाइज कैन सी। देन वी हैव अनदर
कंडीशनर फ्रॉम ट्रेसेमे विच इज़ मॉइस्चर रिच 7 times मॉइस्चर एंड दिस इज़ अगेन 828 ml एंड दिस इज़ इन कॉम्बिनेशन विद दिस वन. सो माई शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर दिस विंटर आर दीज ट्रेसेमे क्लीन एंड रिप्लेनिश एंड ट्रेसेमे मॉइस्चर रिच. दोज केराटिन स्मूथ वर फॉर माई सिस्टर एंड दीज आर फॉर मी. सो आई विल बी यूजिंग दीज शैम्पू एंड कंडीशनर दिस विंटर. देन वी हैव दिस सेंट आइव्स कोकोनट एंड ऑर्किड कोकोनट वाटर एंड ऑर्किड हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश. इट्स काइंड ऑफ अ बॉडी स्क्रब एंड इट इज 650 ml. आई रियली लाइक इट्स पैकेजिंग. आई नीडेड अ बॉडी स्क्रब बैडली एंड प्रीवियसली आई हैड डव वन एंड आई डिड नॉट रियली लाइक इट. सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग इट. सो आई गॉट दिस वन. नेक्स्ट अप वी हैव फेस वॉश फ्रॉम सईद गनी विच इज़ नीम फेस वॉश. मैंने एक फेस वॉश ये लिया है इवलाइन का, बट ये जेल फेस वॉश है और ये बहुत जेंटल है स्किन के ऊपर. सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मेकअप वेयर किया होता है तो यू नीड सम क्लेंजिंग, तो ये वाला फेस वॉश तब काम आता है, इसलिए मैंने लिया. वैसे ही सर्दियों के लिए नहीं होता, गर्मियों में ये ज़्यादा बेस्ट रहता है. देन दिस इज़ अनदर सैनिटाइज़र. दिस इज़ अ ट्रेवल साइज सैनिटाइज़र और दिस इज़ फ्रॉम प्रोटेक्स एंड इसकी भी प्राइस मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी. सो इट्स अ स्मॉल बॉटल. देन वी हैव अनदर फेस वॉश फ्रॉम सईद गनी. दिस टाइम इट्स गोट मिल्क. सो आई हैव हर्ड सम गुड थिंग्स अबाउट इट. सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन एंड दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर वेरी इकोनॉमिक. सो यू कैन ऑल्सो गेट दीज. नेक्स्ट वी हैव इनशांटिया ल्यूरिंग टेलकम पाउडर. सो आई थिंक के सीज़न कोई भी हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, टेलकम पाउडर आपको ज़रूरी चाहिए होता है फॉर वन और द अदर थिंग. सो आई गॉट सम टेलकम पाउडर ऑफ इनशांटिया बिकॉज आई रियली लाइक द फ्रेगरेंस ऑफ दिस वन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव गॉट इनशांटिया ल्यूरिंग परफ्यूम विच इज़ फॉर 999. एज जिन लोगों ने मेरी इनशांटिया परफ्यूम की वीडियो देख रखी होगी उन लोगों को पता होगा कि बहुत मुश्किल से मुझे ये परफ्यूम उस टाइम पर मिला था और मैं सर्च में थी कि कहाँ मिलता है पाकिस्तान में. तो आई सॉ इट इन इम्तियाज़. सो आई थॉट लेट्स शेयर विथ यू गाइज एंड आई गॉट वन ऑफ दीज. आई रियली लाइक दिस परफ्यूम. सो आई थिंक इट्स लेट्स ओपन दिस अप एंड सी इट. Here is the bottle. It's very pretty. The bottle is quite fancy, as you can see. I really love the bottle of this 100 ml. Fragrance of it is quite powdery, and I really love its fragrance. वैसे तो ये summer fragrance है, लेकिन मैं इसका complete review आप लोगों के साथ definitely share करूँगी. But because मुझे इसका मिल नहीं रहा था कि कहाँ से मिलेगा, तो इस वजह से मैंने इसको purchase कर लिया, चाहे सर्दियाँ हों. So I think you guys, that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel. Let me know in the comments about your feedback, what you think about this video and whether you'd like to see these kind of videos again. Thanks for watching. Bye.